का पहला सवाल है, वह कौन सा पक्षी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है? आपका ऑप्शन है ए बत्तख, बी तोता, सी कोयल, डी मोर। आपका सही जवाब होगा हे बत्तख। आपका दूसरा सवाल है, ऐसा कौन सा देश जिस पर शेर वाला झंडा होता है? आपका ऑप्शन है हे भारत, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी अमेरिका। आपका सही जवाब होगा सी श्रीलंका। आपका तीसरा सवाल है, दुनिया की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? ए भारत, बी जर्मनी, सी चीन, डी अमेरिका। आपका सही जवाब होगा बी जर्मनी। आपका चौथा सवाल है, किस फल से हमें तेल प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन है ए केला, बी लीची, सी कटहल, डी नारियल। आपका सही जवाब होगा डी नारियल। आपका पांचवा सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है डॉट ए भारत, बी चीन, सी रूस, डी जापान। आपका सही जवाब होगा हे भारत। आपका अगला सवाल है छे, किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? आपका ऑप्शन है हे अमरूद, बी अनार, सी मूली, डी कीवी फल। आपका सही जवाब होगा डी कीवी फल। आपका सातवां सवाल है, ज्यादा कॉफी पीने से कौन सी बीमारी होती है? आपका ऑप्शन है ए पथरी, बी शुगर, सी कैंसर, डी कब्ज। आपका सही जवाब होगा सी कैंसर। आपका आठवां सवाल है, बैडमिंटन खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपका ऑप्शन है ए दो खिलाड़ी, बी तीन खिलाड़ी, सी पांच खिलाड़ी, डी छह खिलाड़ी। आपका सही जवाब होगा ए दो खिलाड़ी। आपका अगला सवाल है नौ, भारत में सबसे ज्यादा चांदी कहाँ पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए केरल, बी राजस्थान, सी उड़ीसा, डी राजस्थान। आपका सही जवाब होगा बी राजस्थान। डॉट आपका दसवां सवाल है, कौन सा फूल 100 साल में एक बार खिलता है? आपका ऑप्शन है ए नागपुष्प, बी कमल, सी नीलकंठ, डी गुलहर। आपका सही जवाब होगा हे नागपुष्प। आपका अगला सवाल है 11, भारत में किसे फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है? आपका ऑप्शन है हे पागल को, बी नाबालिग को, सी गर्भवती महिला को, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा डी उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है 12, किस भारतीय राज्य की दो राजधानियां हैं? आपका ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी गुजरात। आपका सही जवाब होगा ए
जम्मू कश्मीर। आपका अगला सवाल है 13। ऐसा कौन सा जीव है जिसका दिल उसके सिर में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए चींटी, बी सांप, सी ऑक्टोपस, डी डॉल्फिन। आपका सही जवाब होगा सी ऑक्टोपस। आपका अगला सवाल है 14। मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 42 दांत, बी 82 दांत, सी 32 दांत, डी 12 दांत। आपका सही जवाब होगा बी 82 दांत। आपका अगला सवाल है 15। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आपका ऑप्शन है ए केला, बी सेब, सी आम, डी अनार। आपका सही जवाब होगा सी आम। आपका अगला सवाल है 16। पाकिस्तान का राष्ट्रीय डॉट फल क्या है? आपका ऑप्शन है ए लीची, बी आम, सी संतरा, डी काला अंगूर। आपका सही जवाब होगा बी आम। आपका अगला सवाल है 17। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है ए राजघाट, बी शांति घाट, सी इंडिया गेट, डी रामघाट। आपका सही जवाब होगा ए राजघाट। आपका अगला सवाल है 18। कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए कमर पर रस्सी बांधना, बी कमर में धागा बांधना, सी तैयार होना, डी आलस करना। आपका सही जवाब होगा सी तैयार होना। अब आ गया दिमाग घुमा देने वाला सवाल। आपका सवाल है ऐसी कौन सी चीज है जब प्यास लगे तो हम उसे पी सकते हैं, जब भूख लगे तो हम उसे खा सकते हैं, और जब ठंड लगे तो उसे जला सकते हैं? बताओ वह कौन सी चीज है? आपका सही जवाब होगा डॉट नारियल। आपका अगला सवाल है 19। महात्मा गांधी जी किस जाति के थे? आपका ऑप्शन है ए तेली, बी ठाकुर, सी वैश्य, डी बनिया। आपका सही जवाब होगा सी वैश्य। अब यह सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी मुंबई में, सी आगरा में, डी लखनऊ में। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।